शाम के 7 बजने वाली है। लोगों का तांता अभी टूटा नहीं है, तांता लगा हुआ है और वैसे ही अनुशासन है लोगों में। सोचिए कि ये देखिए हर हाथ में अद्भुत नज़ारा है ये, और ये देखिए सबके हाथ में सोशल मीडिया है, मोबाइल है और सब तस्वीरों को कैद कर रहे हैं। अद्भुत है ये नज़ारा, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये देखिए रोशनी जला दी गई है, और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और मेरा अनुमान है कि 25 लाख के आसपास लोग अब तक आके जा चुके होंगे और सबके हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया है। और मैं फिर से एक बार लाइन में लग रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता था कि मैंने कल रात के 12 बजे देखा था, अभी देखा था, तो मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह से रश है। और आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और शानदार नज़ारा है, सभी के हाथ में मोबाइल दिखेगा आपको, जो तस्वीरों को कैद कर रहे हैं। किसी मीडिया की जरूरत नहीं है, तो वो बैन भी है। उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को नहीं दिखाया, जिस तरह से मैंने आज हेडलाइंस देखी थी, तो भीमय कोरेगांव में चाक चौवन सुरक्षा और प्रकाश अम्बेडकर आई हेडलाइंस थी, उसके ठीक उलट बहुजन समाज के लोग जो हैं वो अपने हाथों में मोबाइल लिए हुए हैं और सब इसका वीडियो बना रहा है। हो सकता है मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे, तो मैं बार बार इसलिए कहता हूँ सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ बाकायदा कि हर हाथ में मोबाइल है, लोग तस्वीरें बना रहे हैं, और मुझे नहीं पता कितनी देर लगेगी वहाँ तक पहुँचने में, लेकिन काफ़ी रश है, काफ़ी रश है, सुबह से रश है, एक मतलब इतना रश है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और युवाओं की भागीदारी है, परिवार के साथ लोग आ रहे हैं, महिलाओं की भागीदारी है, बच्चों के साथ जिस तरह से आ रहे हैं, तो अद्भुत है ये। और मैंने 15 साल की पत्रकारिता में इस तरह के हालात नहीं देखे हैं, इस तरह की भीड़ नहीं देखी है, और इस तरह का संयम नहीं देखा है, डिसिप्लिन नहीं देखी है। लोग काफ़ी डिसिप्लिन है, पिछले साल जिस तरह की घटना हुई थी उसके बाद से थोड़ा इंतजाम भी बढ़ाया गया है, लेकिन अद्भुत है ये। और जिस तरह के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, आई कॉन्ट बिलीव, दिस इज़ अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय है ये सब कुछ, और किसी मेरिकल की तरह है। मैंने सुबह से लगातार 2-3 के चक्कर लगाए हैं, कहीं कोई लड़ाई नहीं, कहीं कोई बहस नहीं, कहीं कोई झगड़ा नहीं। तो ये है बहुजनों की ताकत, और जो भीमा कोरेगांव है उसके इतिहास को लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। मुझे एक नई बात पता चली है कि इसी जो स्तंभ है, जो विजय स्तंभ है, उस पर 1961 और 1971 के वॉर के शहीदों के नाम भी दर्ज करा दिए गए हैं। उसको लेकर लोगों के मन में गुस्सा है कि आखिर ये उनका इतिहास है। भीमा कोरेगांव आज से 201 साल पहले, ठीक 1818 में आज ही के दिन 1 जनवरी को ये लड़ाई हुई थी। 500 महार सैनिक थे, 28,000 पेशवा थे, कुछ लोग बताते हैं कि 2000 सैनिक सिद्धनाथ महार का नाम सुनकर भाग गए थे पेशवाओं की तरफ से। और सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि भारत में घटना घटती है और इतिहास में कहीं दर्ज नहीं होता है। महाराष्ट्र की धरती है, यहाँ पे बच्चा जो है ना, सोचिए बहुत डस्ट है, मुश्किल हो रही है सांस लेने में, लेकिन सोचिए कि महाराष्ट्र की धरती है, यहाँ फिल्में बनती है, लेकिन अब तक भीमा कोरेगांव पर कोई मूवी नहीं आई है। कितनी बड़ी कहानी है ये कि 500 सैनिक जो हैं वो 28,000 को मार गिराएंगे, ये अद्भुत है, अविश्वसनीय है। और इस पर देखिए, और सोशल मीडिया का इम्पैक्ट देखिए, सभी अपने कैमरे में इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे नहीं पता वो सोशल मीडिया से फेसबुक, ट्विटर और तमाम वेबसाइट्स पर वो इसे अपलोड करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और जिस तरह से लोग यहाँ इनिशिएटिव कर रहे हैं, अद्भुत है ये। थोड़ा दूर है अभी मामला, वो इमारत जो स्तंभ है, जो विजय स्तंभ, वो आप देख सकते हैं, उसको सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है। और मुझे लगता है कि पंचशील के तरह, पंचशील का तो नहीं रंग दिया गया, मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता हूँ, तो पूरा जो भीड़ है, शाम के 7 बजने वाले हैं, लोगों का तांता लगा हुआ है, देखिए इस तरफ भी वही हालात है, और चारों तरफ लोग ही लोग हैं, और अद्भुत है ये, मिरेकल है ये। पिछली बार जो घटना हुई थी उसके बाद लोगों ने भीड़ दिखाई है, सहमित तरीके से, शांतिप्रिय तरीके से जिस तरह से लोग आए हैं, उससे लगता है कि एक पूरे देश में मैसेज गया था कि किस तरह से भीमा कोरेगांव में बच्चों पर, महिलाओं पर हमला हुआ था,
उसके बाद से लोगों में नाराजगी थी और शाम 7 बजे की ये तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, मैं भी उन्हीं लोगों के कतार में हूँ और इस बार मीडिया की वो भी बैन की है, मुझे नहीं पता, मैंने सुबह से टीवी देखा नहीं है चूँकि यहाँ इंटरनेट बंद कर दिया गया है। ये एक बड़ी विडम्बना है, अगर आज यहाँ इंटरनेट चालू होता और इस तरह से अगर ब्रॉडकास्ट करते लोग लाइव और तो इसका एक देश भर में अलग इम्पैक्ट जाता, लेकिन उसके बाद भी लोग अपने स्तर से वीडियो को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, शायद वो घर जाने के बाद इसको ब्रॉडकास्ट करें, घर जाने के बाद इसको लगाएं, तो अद्भुत है, मिरेकल है ये। और ये देखिए कि हर हाथ में मोबाइल जो है वो चमक रहा है और लोग इसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है और लाइटें ऑन कर दी गई है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम थे और अद्भुत है ये, और ये मिरेकल जैसा है, चमत्कार है। और सोचिए इसकी कहानी बहुत है, अजीब है, 1818 201 साल पहले और 1925 में बाबा साहब यहाँ थे, 1925 तो महाराष्ट्र के लोग हैं मराठी में नारे लगा रहे हैं, 1925 में बाबा साहब यहाँ आए थे और उन्होंने इसको इतिहास को जिंदा किया था, इंग्लिश गैजेट में, अंग्रेजों के गैजेट में ये सब कुछ इतिहासबद्ध है, उसको फिर से उन्होंने आम लोगों तक पहुंचाया। कॉलेज के स्टूडेंट होंगे, तो जो यूथ हैं, जो युवा हैं वो बहुत जुड़ रहे हैं और काफ़ी संख्या में युवा जो है वो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अद्भुत है ये। और शाम के 7 बजने वाले हैं, संख्या उसी तरह से लोगों की बढ़ती जा रही है और ये तस्वीरें जैसे जैसे मैं करीब हो रहा हूँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से, तो ये पूरा पेशवाओं का जो दौर था, जो शासन था, जो सबसे कूड़ शासन माना जाता है, उसका खात्मा हुआ था ठीक आज से 201 साल पहले। 1 जनवरी का वो दिन था जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही होती है, यहाँ बहुजन समाज की योद्धा 500 महार सैनिक जो थे वो 28,000 सैनिकों से लड़ाई लड़ रहे थे। मुझे बताया गया है कि वो 35 किलोमीटर की लंबा सफ़र पैदल तय करके आए थे, खाने के लिए खाना नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, बगल में ही भीमा नदी है जिसका पानी पीकर वो इस युद्ध को लड़ रहे थे और उनके लिए मुक्ति की लड़ाई थी, उनके लिए संघर्ष जियो या मरो की लड़ाई थी। जिस तरह के बुरे हालात थे, उनके लिए स्कूल के दरवाजे बंद थे, नौकरियां नहीं थी, वो अपने बारे में बात नहीं कर सकते थे, तो बहुत ही जानवर से भी बदतर ज़िंदगी थी, नारकीय ज़िंदगी थी और उसके खिलाफ़ वो लड़ाई थी और वो लड़े और जीते। और उसका असर ये हुआ कि पूरे भारत में जो SC ST OBC माइनॉरिटी अनटचेबल लोग थे जिसको अछूत बना दिया गया था, उनकी लड़ाई शुरू होती है। और सोचिए कि 1818 की ये लड़ाई होती है, 1848 में सावित्रीबाई फुले पुणे में, जो पास में ही 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलती हैं, तो वो लड़ाई नहीं होती, ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले नहीं आ पाते और अगर ये दोनों नहीं आते तो डॉक्टर अम्बेडकर भी नहीं बन पाते, क्योंकि पढ़ाई लिखाई की जो पूरी प्रक्रिया थी बहुजनों की वो उनसे दूर थी, पेशवाओं के दौर में वो मुश्किल नहीं था, असंभव था, तो वो संभव हुआ। तो इसलिए इस जो भीमापुरे गांव है उसका एक अलग इम्पोर्टेंस है और बात करना संभव नहीं है किसी से, क्योंकि बहुत रश है, भीड़ है और कोई बात करने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। और लगभग हम लोग जो हैं पहुंच गए हैं और ये वो जगह है, ऐतिहासिक जगह है, बहुजनों की मुक्ति की जगह है जहाँ ये लड़ाई लड़ी गई थी। और ये तस्वीरें देखिए, सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है और ये बहुजन समाज की मुक्ति का ये प्रतीक है, बहुजन समाज की शौर्य का प्रतीक है, बहुजन समाज की ताकत का प्रतीक है। और इसी के बाद महा रेजिमेंट शुरू किया गया लेकिन कॉन्स्पिरेसी करके उसे भी बंद कर दिया गया, तो अद्भुत है ये। और अब लगभग हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं और ये देखिए शाम का समय है, 7 बजने वाले हैं और अपने अपने तरीके से लोग इसको मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं और 1 जनवरी का दिन है पूरे देश में जब लोग जश्न मना रहे होंगे
तो महाराष्ट्र के पुणे से 30 किलोमीटर दूर भीमा खोरे गाँव में बहुजन समाज के लोग लाखों में आकर जमा होते हैं और वो आते हैं, सैल्यूट करते हैं, जय भीम का नारा लगाते हैं और वापस अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। तो अद्भुत है ये तस्वीर, अद्भुत है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस तरह की भीड़ है। मैं अंदाजा नहीं लगा सकता, अनप्रिडिक्टेबल है जय भीम, तो अनप्रिडिक्टेबल है। तो ये देखिए कि ये तस्वीरें आप बयां कर रही है, मैं संख्या काउंट नहीं करना कर चाहता, एक दिन में मुझे नहीं लगता कि कहीं भी इतने समाज के लोग आते होंगे। तो अद्भुत है ये, इट्स अ मिरेकल। क्या बात करना चाह रहे हैं बताइए, क्या करती हैं, क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ होना बड़ा काम है। और लगता है जैसे पंसील की तरह इसे सजाया गया है। और डॉक्टर अंबेडकर 1925 में डॉक्टर अंबेडकर यहाँ आए थे, 1925 में डॉक्टर अंबेडकर यहाँ आए थे और उन्होंने इसे इस इतिहास को जो कि दफन कर दिया गया था उसे जिंदा किया उन्होंने। और उसके बाद से पिछले साल कुछ घटना हुई थी, बहुत रश है साहब, अब बात करनी मुश्किल हो जाएगी। तो ये तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहा था मैं भीमा कोरे गाँव से, और जिस तरह से लाखों में संख्या है, अनुशासित है, डिसिप्लिन है और कोई गहमा गहमी नहीं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सब यहाँ आए हैं। और जाने के लिए कहा जा रहा है और मैं भी निकलना चाहूँगा, बहुत रश है, बहुत भीड़ है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं, 7 बजने वाले हैं और भीमा कोरे गाँव से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। और ऐतिहासिक जगह है ये, और पिछली बार जो घटना हुई थी उसके बाद और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। और संख्या का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कल रात 12 बजे से इसी तरह का रस जो है वो यहाँ है। शंभु कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, भीमा कोरेगांव, पुणे। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।